माला प्रोग्राम समाप्त हुआ हो तो लीजिएगा प्रिय दर्शक बंधु, आपको ले चल रहे हैं खेल की तरफ। आप लोगों के समक्ष जो ये दृश्य नजर आएगा, यह आसाम मुल्क होगा और आसाम मुल्क के सम्राट चंद्रमणि अपने यथाउचित स्थान पे विराजमान नजर आएंगे और महाराज के दाहिनी तरफ उनकी प्रजा की रखवाली महामंत्री रंजीत सिंह अपने यथाउचित स्थान पे विराजमान नजर आएंगे और महाराज के बाईं तरफ उनके सेना के अफसर आला दीवान सेनापति बलबीर सिंह अपने यथाउचित स्थान पे विराजमान नजर आएंगे। पहरेदार पे सिपाही तैनात ही महाराज व ताज और तत्व की सलामती के लिए कंचनिया मुबारकबाद पेश कर रही हैं। तो लीजिएगा प्रिय दर्शक बंधु, इसी जगह से हिंदुस्तान आजाद संगीत वाली का खेल आप लोगों के समक्ष पेश है। खेल का नाम पुनः गौर करिएगा, खेल का नाम है गम की आंधी। गम की आंधी, दगाबाज मंत्री, तांत्रिक बना शैतान और फिर डाकू करमात। अरे गांव मुबारक बात मैं भर जाऊं, जा
सिपाही जाओ इन गंजनियों को शाही खजाने से इनाम देकर इन्हें राज दरबार से रक्षित कर दो। आज्ञा हुजूर की। गंजनियों आसाम मुल्क के शहंशाह का आधा बजाइए और अपना अपना पुरस्कार लेकर यहाँ से रक्षित हो जाइए। ये मंत्री रंजीत सिंह मृदान भी सम्राट, ये बताओ कि इस वक्त हमारी प्रजा की क्या समाचार है? प्रजा में किसी को कोई कष्ट तो नहीं है? इराजन प्रजा खुशहाल है, राम कोई परेशानी नहीं है। इराजन ये आपकी प्रजा आपके नाम की जय जयकार कर रही है। इराजन जयकार कर रही है, ऐसा ही होना चाहिए। अगर हमारी ये प्रजा खुशहाल है तो हम भी खुशहाल हैं, और अगर हमारी प्रजा में किसी को कोई कष्ट है तो मुझे भी कष्ट है। राजन आप इसलिए बेफिक्र रही है, प्रजा की हर परेशानी को दूर करना ये हमारा परम कर्तव्य है, आप बेफिक्र रही राजन। लेकिन मंत्री रंजीत सिंह व सेनापति बलबीर सिंह, तुम लोग ये अच्छी तरह से जानते हो कि हमारी महारानी वो एक बेटी का जन्म देख करके भगवान को प्यारी हो गई, और जिस वक्त हमारी महारानी का स्वर्गवास हुआ है उस वक्त हमारी बेटी राजकुमारी दीक्षा सिर्फ 5 वर्ष की थी, लेकिन महारानी के मरते ना मालूम हमारी बेटी को क्या हो गया कि ना वो कुछ बोलती है ना खेलती है, 24 घंटे गुमशुदा उदास चारपाई पे लेटी रहती है। हमने उसके इलाज के लिए देश विदेश के डॉक्टरों को बुलवाया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मंत्री रंजीत सिंह, 24 घंटे मैं यही सोचता हूँ कि काश हमारे न रहने के बाद हमारे इस ताज और तख्त का वारिस कौन होगा, हमारे न रहने के बाद हमारे शाही महल में दीपक कौन जलाएगा। बस इसी गम में हर वक्त डूबा रहता हूँ, कुछ समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं और क्या न करूं। राजन कहते हैं विधि का लिखा हुआ कोई मिट नहीं सकता है राजन, और वाकई में जब से महारानी जी का देहांत हुआ है राजकुमारी जी की आवाज चली गई है, ना तो कुछ बोलती है और ना ही बिस्तर से उठती है, हर वक्त गमशुदा उदास पड़ी रहती है। महाराज देश विदेश का डॉक्टर वैद्य बुलाया गया है लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। तो राजन मैं तो आपसे ये कहना चाहता हूं कि शायद राजकुमारी जी अब कभी ठीक नहीं होंगी, इसे आप राजकुमारी जी का गम अपने दिल दिमाग से हटा दीजिए। अगर राजन इसी तरह आप राजकुमारी जी के गम में रहेंगे तो फिर तत्व का क्या होगा, इस आवाम का क्या होगा राजन? नहीं
रंजीत सिंह, बलवीर सिंह, इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। मैं खुद आश्चर्य में पड़ा हूँ कि दवा काम क्यों नहीं कर रही। हाँ बलवीर सिंह, और जब दवा काम ना करे तो समझ लेना चाहिए कि कोई शैतानी हरकत है, राजकुमारी के ऊपर कोई शैतानी हरकत है, इसीलिए दवा काम नहीं कर रही। इसे महाराज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। और हे महाराज जी, बिने मानो मेरी, कल्याणी मल के भई चलो पाप है। राजकुमारी जी को बाबा कल्याणी मल को दिखा दे, शायद माँ काली की कृपा से और बाबा की दुआ से राजकुमारी जी मुसीबत से निजात पा जाएं। बलवीर सिंह, जब दुनिया का डॉक्टर बाबा दू राजकुमारी को नहीं ठीक कर पाया है, तब तंत्र को ढोंगी राजकुमारी को क्या ठीक कर पाएगा। रंजीत सिंह, बगैर सोची बिचारी किसी को ढोंगी नहीं कहना चाहिए, हर बाबा एक समान नहीं होते। बलवीर सिंह, मुझे इन तांत्रिक और बाबाओं पे विश्वास नहीं होता है, क्योंकि बाबा अक्सर विश्वास खाती होते। महाराज आप मेरी बात मानिए, सिर्फ एक बार बाबा कल्याणी मल को दिखा दें और भला नहीं होगा तो बुरा नहीं होगा, आप विश्वास करें और विश्वास का फल जरूर मिलेगा। बलवीर सिंह, क्यों सम्राट को गुमराह कर रहे हो? महाराज बलवीर सिंह की बातों पे आप यकीन मत कीजिए, क्योंकि आपको गुमराह कर रहे हैं राजन। गुमराह कर रहा हूं और क्या कर रहे हो? मंत्री रंजीत सिंह, तुम क्या चाहते हो कि हमारी बेटी वो कभी ठीक ना हो? महाराज मैं तो चाहता हूं कि राजकुमारी ठीक हो जाए, लेकिन इन बाबा पर कैसे विश्वास कर लिया जाए? तो दिखा देने में हर्ज क्या है? बलवीर सिंह, तो ठीक कहना तुम्हारा है बलवीर सिंह, आपकी बात से मैं नहीं इनकार हूं।
अभिलीवा साथ में बैठ जा को मैं चलू बाबा के टिकता करू चलू बाबा के टिकना करूं कुछ विलम बलवीर सिंह तुम लोगों को ये अच्छी तरह से मालूम है कि बेटी के सिवा हमारे पास कोई दूसरा संतान नहीं है। काश अगर हमारी बेटी ठीक न हुई तो हमारे इस ताज और तख्त का वारिस कौन होगा? महाराज आप निराश न हो, आप घबराए नहीं, हमें यकीन है कि राजकुमारी जी अवश्य ठीक होंगी। राजकुमारी के ऊपर कोई शैतानी हरकत है, इसीलिए दवा काम नहीं कर रही। चलो बेटी को साथ में लेकर के हम अभी बाबा कल्याणी मन के पास चलते हैं। चलिए हुजूर मैं पहुंचाऊंगा। चलो बाबा के पास तक तुम मुझे पहुंचा दो। और सब लोग हमारे रणजीत सिंह बाबा का चमत्कार देखोगे तो देखकर दंग रह जाओगे। वहां एक नहीं सैकड़ों की भीड़ होती है और लोग रोते हुए आते हैं और बाबा की चौखट से हंसते हुए जाते हैं। ये नजारा मैं अपनी आंखों से देख चुका हूं। ठीक है बलवीर सिंह, चलिए उस बाबा तक चलते हैं और देखता हूं कि कितना बड़ा पहुंचा हुआ है वो। ठीक है आइए। कासो कहे खौरी आ गए। चुप शिवाई, बलवीर सिंह जो कुछ कर रहा है ये अपने हक में अच्छा नहीं कर रहा है, लेकिन आज सबसे पहले हम उस बाबा के पास चलते हैं और देखता हूं कि कितना बड़ा पहुंचा हुआ है राजकुमारी को ठीक कर पाता है या नहीं। आ मेरे साथ। भैया एक आवश्यक सूचना यह है, हमारे घर मालिक साहब से हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमारे श्रृंगार रूम को खाली करा दें भैया, क्योंकि जो भी हमारे व्यक्ति श्रृंगार रूम में हैं सभी लोगों से हाथ जोड़कर देखिए बारिश का महीना है और पूरा श्रृंगार घर बेकार हो रहा है। मैं अपने सभी साथियों से निवेदन करूँगा कि आप लोग रंगमंच पर प्रोग्राम को देखें और हमारे मंच को खाली कर दे भैया, नहीं कलाकार कुछ कह देंगे तो आप लोग यही कहेंगे कलाकारों ने कह दिया है।
चंद्र मणि करे प्रणाम और दुखी लाडली साथ में बन जावो घनी जी। मैं सियासा मुल्क का सम्राट हूं, हमारा नाम चंदमणि है। रहीम, मैंने आपको अच्छी तरह से पहचान लिया है, आपको कोई भी इंट्रोडक्शन देने की आवश्यकता नहीं है, मैंने अच्छी तरह से पहचान लिया है। लेकिन आपको यहाँ तक लाने वाला कौन है, कौन लेकर के आया है? बाबा जी, आपके पास तक लाने वाला और कोई नहीं, हमारे ये राज दरबार का सेना नायक सेनापत बलबीर सिंह है। कौन है बलबीर सिंह, किसका नाम है? आइए बलबीर सिंह, बाबा जी से बातें करो। बाबा जी, कोई गलती हुई हो तो क्षमा करें। नहीं, आपने कोई गलती नहीं किया, बल्कि एक राजा को माँ काली के टेंपल तक पहुंचा करके तुमने बहुत बड़ा उपकार किया है, तुम्हारा सर्व कल्याण। बाबा जी, काश आपके चौखट से राजकुमारी जी ठीक हो गई है तो पूरे आसाम राज में आपके नाम का शोहरत होगा, लोगों की जुबान पर आपका नाम होगा। चलो अच्छा हुआ, आप जैसे बड़े लोगों के अंदर अभी देवी देवताओं के प्रति विश्वास तो है, श्रद्धा तो है। बाबा जी, हमें तो यकीन है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो संत महात्माओं पर, फकीर दरवेशों पर, देवी देवताओं पर भरोसा नहीं करते। कुछ लोग ऐसे हैं, क्या करोगे, ये दुनिया है। कुछ लोग तो अपनी माँ के ऊपर भी विश्वास नहीं करते, अपनी माँ से पूछते कि मेरा सगा बाप कौन है, क्या करोगे। क्या हुआ, इस बिटिया को इधर ले आओ, माँ के चरणों में डाल दो। बाबा, जब राजकुमारी की उम्र 5 साल की थी तो महारानी जी का इंतकाल हो गया और 12 वर्ष गुजर गए। देश विदेश के डॉक्टर व बड़े बड़े वैद्य हकीम बुलाए गए, लेकिन लाभ कुछ नहीं मिला, बस यही हालत बनी रहती है। है तो बहुत ही जटिल समस्या। बाबा, महाराज की इकलौती संतान है, अगर राजकुमारी जी को कुछ हो गया तो हवेली का चिराग हमेशा के लिए बुझ जाएगा। महाराज, क्या मैं आपकी बेटी का बायां हाथ देख सकता हूँ? अरे देख लीजिए बाबा जी, आप सबसे इसका बायां हाथ मेरे को दिखलाइए। हाथ छोड़ के जा रहा, महाराज मेरे को ताज्जुब हो रहा है कि आप लोग जिंदा कैसे हो। काहे गुर्दे हो, क्योंकि आप सब लोगों को मर जाना चाहिए था। इस लड़के के हाथ में एक ऐसी लाइन आ गई है जो बुरी आत्मा का संकेत कर रही है। हाँ, बुरी आत्मा? हाँ, कोई प्रेत आत्मा घर बना लिया है। मेरे को ताज्जुब हो रहा है कि तुम लोग, क्योंकि अकाल मृत्यु होना भी स्वाभाविक है। बाबा जी, आप किसी तरह से हमारी बेटी को ठीक कर। नो नो नो, ये आप क्या कर रहे हैं, आप दीनों के दाता हैं, एक जापना है, गरीबों के मसीहा हैं, आप मेरे सामने हाथ जोड़ करके क्यों मेरे को शर्मिंदा आप कर रहे हैं? नहीं, ये माँ के चरणों में पड़ी है बेटा, इसका कल्याण अवश्य होगा। जय माँ काली की, जय माँ काली की।
नजर बन 40 कदम आगे बांध, 40 कदम पीछे बांध, 40 कदम दाएं बांध, 40 कदम बाएं बांध, घर बांध द्वार बांध आई भी बलक को बांध, काला कल वो सटोरा बीज मारो तीर न भागे वीर, जहां को जाए वहां को जाओ पकड़ के उसको लाओ ठाओ, जो ऐसा ना कर दिखलाए मुको तो मैं तेरी माँ बहन पे लांग को खोलूं। दुहाई राव ही महाराज, मैं इस लड़के के ऊपर मंत्रों का प्रहार